हेलो डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ट क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर इलेवन ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ क्लास सेवंथ सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर वन थर्टी वन एंड मैच मैच करना है इन सेगमेंट्स को स्टोमेटा क्या होता है बेटा ट्रांसपेरेशन में हेल्प करता है स्टोमेटा जो लीवस होते हैं उसमें जो टाइनी ओपनिंग्स होती हैं उसको हम स्टोमेटा कहते हैं जो प्लांट्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट में उसको हम जाइलम कहते हैं रूट हेयर हमें हेल्प करते हैं एब्ज़ॉर्बशन ऑफ वाटर पानी को एब्जॉर्ब करने में एंड एनफ्लोयम जो है ये एक टिशू है वस्कुलर टिशू है जो प्लांट्स में पाया जाता है और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से और बॉडी पार्ट्स में और लीव्स जिसको हम फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा आपका फिलअप्स है ब्लड uh, ट्रांसपोर्ट होता है हार्ट से और बॉडी पार्ट्स में आर्टरीज के थ्रू सो so, आपका फर्स्ट सो फर्स्ट आपका ऑप्शन होगा आर्टरीज सेकेंडली हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है और इसी की वजह से जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है आर्टरीज और वेंस जहाँ पे ज्वाइन होती हैं उन वे उस नेटवर्क्स को कहते हैं कैपलेज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ हार्ट ही कहलाता है हार्ट बीट जो हमारे हार्ट की जो आ, मसल्स होती हैं वो आ, एक प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सपेंड करती हैं उसकी वजह से हार्ट बीट जनरेट होता है एक्सेलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग में प्रजेंट है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है यूरिया स्वेट कंटेन्स वाटर एंड साल्ट। सॉल्ट तो जो पसीना होता है उसमें वाटर होता है और सॉल्ट होता है जो किडनीज होती हैं ये एलिमिनेट करती हैं वेस्ट लिक्विड फॉर्म में और उसको हम कहते हैं यूरिन इट मीनस यूरिन कहाँ फॉर्म होता है किडनीज़ के अंदर वाटर रीच करता है प्लांट्स के प्लांट्स में जो ऊपर जो उनके पार्ट होते हैं ब्रांचेज होते हैं एक पुल होता है वो पुल होता है ट्रांसपिरीशन सो ट्रांसपरीशन के वजह से जो वाटर है वो प्लांट के जो हायर पार्ट्स हैं वहाँ पर भी पानी पहुँचता है नेक्स्ट पेज 132 में हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है प्लांट्स में ऐसा कौन सा वस्कुलर टिश्यू है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है वो है ज़ाइलम वाटर एब्जॉर्बन क्या इंक्रीज कब इंक्रीज होता है जब आप पौधे को फैन के नीचे रहो रखोगे तो वो ज़्यादा ज़्यादा वाटर को एब्ज़ॉर्ब करेगा फोर्थ क्वेश्चन बेटा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है प्लांट्स में और एनिमल्स में सो so, हम कहते हैं और इट इज़ नेसेसरी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी है क्योंकि जो फूड है उसको बॉडी पार्ट्स में चाहे वो एनिमल्स के हो चाहे प्लाट्स के हो उसको वेरियस बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने के लिए ज़रूरी है सेकेंडली ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट टू द पार्ट्स वेर इट कैन बी रिमूव्ड और सेकेंडली जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी हमें उस पार्ट में लेके जाना है जहाँ से वो ईजिली रिमूव हो पाए इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में और एनिमल्स में बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन नंबर फाइव वट विल हैपन इफ़ देर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड अगर अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होगा तो क्या होगा सो बेटा जो प्लेटलेट्स होते हैं इनके वजह से ही जब चोट लगती है तो कुछ समय बाद खून खून बंद हो जाता है इसलिए कि वहाँ पे है ना ब्लड क्लाटिंग हो जाती है और खून रुकना खून रुक जाता है खून का जो बहना है वो रुक जाता है और ये प्लेटलेट्स की वजह से होती है तो अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होगा तो अगर चोट लगेगी तो फिर खून बहता ही रहेगा देर विल नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड ब्लड विल फ्लो कंटिन्यूसली फ्रॉम इंजरी जहाँ पे चोट लगी है स्टोमेटास क्या होते हैं इनके दो फंक्शंस हमें बताने हैं टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव सरफेस आर कॉल्ड स्टोमेटा लीव में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसको हम स्टोमेटा कहते हैं स्टोमेटा की मदद से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है मतलब जो प्लांट्स हैं वो सी ओ टू लेते हैं और हमें ओ टू देते हैं ओ टू रिलीज करते हैं और स्टोमेटा uh, की मदद से ट्रांसपीरेशन भी होता है ट्रांसपीरेशन मैंने आपको बताया ट्रांसपिरीशन uh, के माध्यम से uh, जो प्लांट होता है और वो गैसेस रिलीज़ भी करता है और जो वाटर है वो प्लांट में उसके डिफरेंट पार्ट्स में भी पहुंचता है ट्रांसपरीशन प्लांट्स में क्यों इम्पॉर्टेंट है ये क्या होता है इससे ट्रांसपरेशन के फॉलोइंग पर्पस होते हैं लोअर टेम्परेचर ऑफ़ द प्लांट दस प्रिवेंट हीट इंजरी ऑफ प्लांट्स सबसे पहले ट्रांसपीरेशन के माध्यम से जो प्लांट्स होते हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता तो गर्मियों में समर में भी ट्रांसपरीशन के वजह से जो पौधा है उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है और बहुत गर्मी के बावजूद भी वो जल्दी से उसमें इंजरी नहीं आती पेड़ पौधा ख़राब नहीं होता ट्रांसपरीशन पुल हेल्प इन रेनिंग वाटर इन हायर प्लांट्स और ट्रांसपरेशन के वजह से जो पेड़ पौधे हैं इसमें जो वाटर वगैरह होता है ये हायर पॉइंट में पहुंच जाता है ट्रांसप्रेशन पुल के वजह से हायर पार्ट्स में भी पानी पहुंच जाता है सेकेंडली कॉजेज लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स और ट्रांसपरेशन के वजह से पा, पानी की कमी हो जाती है प्लांट्स में सो so, ट्रांसपरेशन का ये नेगेटिव इफेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की ब्लड किन किन चीज़ों से बनता है ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स होती है और प्लाज्मा होता है ये ब्लड के कंपोनेंट हैं हमारे डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड की क्यों जरूरत है ब्लड इज़ नीडेड बाई ऑल बॉडी पार्ट्स हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड की नीड है सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स सभी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा ब्लड करेगा जो सी ओ टू प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी पार्ट्स में उसको वहाँ से सी ओ टू को उन बॉडी पार्ट्स में से लेके आना लंग्स में वो भी काम ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से होता है सेकेंडली टू ट्रांसमिट हीट टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्ट ब्लड की नीड होती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आ, ऐसा क्या चीज़ है कि ब्लड रेड नज़र आता है ये मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन जो रेड पिगमेंट है उसकी वजह से ब्लड रेड नज़र आता है वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी में जनरेट होता है उसको एक्सक्रीट करना क्यों ज़रूरी है उसको बॉडी से बाहर निकालना क्यों ज़रूरी है वेस्ट प्रोडक्ट जो रिलीज होता है बॉडी में वो बहुत टॉक्सिक होता है बहुत हार्मफुल होता है और अगर वो बॉडी में रहेगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा कोई ना कोई डिसीज़ होगा इसीलिए वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है एक्सक्रीशन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है दिस इज़ द लेबर डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम जो एक्सक्री सिस्टम का डायग्राम है सो so, ये शुरू में जो दो जो किडनीज़ आपको दिख रही हैं बीन शेप्ड ये जो बीन शेप्ड दो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये किडनीज हैं उसके बाद जो ये दो लंबी लंबी ट्यूब्स हैं जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ रही हैं इसको आप यूरेटर कहते हैं टू यूरेटर्स हैं टू किडनीज़ हैं फिर ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है एंड देन जो यूरिथ्रा है और एंड में यूरिनरी ओपनिंग है यूरिनरी ओपनिंग से होते हुए यूरिन जो है वो यूरिथ्रा से बाहर निकलती हैं सो दिस इज द एक्सक्रिटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड यू हैव टू ड्रॉ इट यू हैव टू लर्न इट एंड वेन इट इट कम्स इन एग्जाम यू हैव टू लेबल इट आपको नाम भी लिखना है लास्ट एक्चुअल क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट ऑफ योर टेक्सट बुक इज डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्ट हार्ट का फंक्शन बताना है सो so, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है हार्ट के फोर चैम्बर्स होते हैं अपर के जो दो चैम्बर्स होते हैं उसको हम आर्ट्रिया कहते हैं लोअर के दो जो चैम्बर्स हैं उसको आप वेंट्रिकल्स कहते हैं और इन आट्रिया के और इन वेंट्रिकल्स के बीच में जो पार्टीशन है वो ब्लड को मिक्स नहीं होने देता सो ये पार्टीशन बहुत ज़रूरी है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो कि आर्ट्रि, आर्ट्री आट्रिया के अंदर है और जो सी ओ टू रिच ब्लड जो कि वेंट्रिकल्स के अंदर है उसको ये पार्टीशन मिक्स नहीं होने देता देन उसके बाद जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो फ़्लो करता है लंग्स से हार्ट के तरफ एंड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तो लंग्स में लंग्स से होते हुए ब्लड जाएगा हार्ट में उसमें ऑक्सीजन है और हार्ट से होते हुए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा इसी तरीके से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड है उसमें सी ओ टू है उस सी ओ टू रिच ब्लड को वेंस के थ्रू वो हार्ट में आता है और हार्ट्स के थ्रू फिर वो लंग्स में जाता है और वहाँ से एक्सचेंज हो जाता है सी ओ टू और कार्बन डाइऑक्साइड का सो दिस इज़ द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ हार्ट ये आप इस तरीके से यू विल ड्रॉ इट यू विल लेबल इट आप इनके नाम भी लिखिएगा आप देख पा रहे हैं कि जो हार्ट है इसमें फोर चैम्बर्स हैं बेटा अपर दो जो चैम्बर्स हैं ये जो अपर के दो चैम्बर्स हैं ठीक है ना इनको आप एट्रियम कह रहे हैं ये राइट right एट्रियम है ये लेफ्ट एट्रियम है ये राइट वेंट्रिकल है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और बीच में ये पार्टीशन है जिसके वजह से ये जो पार्टीशन है या ये जो पार्टीशन है इन पार्टीशन के वजह से ये ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता राइट एंड ये आपकी पल्मोनरी आर्टरीज वगैरह हैं पल्मोनरी आर्टरी है पल्मोनरी वेन है वेना केवा है सो दिस इज़ द लेब ऑफ हार्ट आपको ज़रूर आना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे थैंक यू